भाई आज हम अपनी ज़िंदगी का वर्स्ट खाने का एक्सपीरियंस करते करते रह गए। इसकी वजह ये है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो इनका जो एक सर्विस थी जो कस्टमर्स का, वो था एक प्रेजेंट करना, ना मेन्यू आई 10 मिनट तक, ना कोई सर्विस, ना कुछ, बहुत बेकार था। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज हम ट्राई करने जा रहे हैं पूरे 1 से 1.5 साल बाद हुसैनाबाद का चरगा, देखेंगे जायका वैसा ही है या नहीं है और वहाँ कहाँ जाते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त है जवाद। जवाद जब लास्ट टाइम आया था भाई ब्लॉग में, तब मेरे 500 से कम सब्सक्राइबर्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अब जवाद भी साथ है। जवाद स्कूल का दोस्त है, मोइज़ भी है, तो वहाँ जाके मोइज़ और जवाद दोनों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम 10K क्रॉस करने वाले हैं, तो सबको बताना ज़रूरी है। तो मोइज़ और जवाद से कैसा बॉन्ड है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वहाँ बताएंगे। तो अब चलते हैं हुसैनाबाद की तरफ। मैं अभी कहाँ, अभी चल। तो भैया हुसैनाबाद की माशाल्लाह बहुत बड़ी और मशहूर मस्जिद है, रहमानी मस्जिद। तो यहाँ आप देखें कि नॉर्मल जुमे में जितने लोग होते हैं रात को इशा के वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग हैं, तो हमें भी यहाँ आए तो जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का मौका मिल गया। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह से। भाई अब हम पहुँच चुके हैं हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट, और यहाँ की वाइब बड़ी अलग है। अलग किस तरह है भाई, के अगर आप किसी और फूड स्ट्रीट पे जाते हैं तो ऐसे मंजन आपको नहीं मिलेंगे। पान के स्टॉल भी बने हुए हैं यहाँ, लिमका के, फ्राइज़ के, तो बहुत अलग अलग किस्म के आपको मिल जाते हैं। ये तैयबीज़ है, या मेरा ख्याल तमारेज़ है जिनका, तैयबीज़ है जिनका कटाकट बहुत मशहूर है। बोलान भी आ चुका है यहाँ, और फूड सेंटर बाबा रबड़ी, बड़ा ज़बरदस्त मॉल बना हुआ है। भाई कॉल आने की वजह से हम ज़रा निकल गए थे आगे, तो आज अभी ये इंतजाम हुआ है कि हम खाएंगे मौसिया का चरगा। तो उसके बाद अगर मेरी फेवरेट आइसक्रीम जो यहाँ कराची टॉप 10 है, वहाँ भी अगर जाना हुआ तो चले चलेंगे। तो मौसिया पहले चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। मौसिया का चरगा खाए हुए मुझे 8 से 9 साल हो चुके हैं, या शायद 5-6 साल, लेकिन इतना अरसा 5 साल से ऊपर हो गया है। तो देखते हैं अभी टेस्ट वहाँ का वैसा ही है या नहीं है। कैप मैं उतार चुका हूँ, सारा दिन कैप लेने के बाद ना बड़ी हालत बुरी हो जाती है बालों की, तो कैप लेनी पड़ती है। अभी क्योंकि नमाज़ पढ़ी है तो ज़रा बाल बाल सेट थे थोड़े बहुत, फिर भी हालत बुरी होगी बालों की, मैंने कहा बता दूँ आप लोगों को। तो मोइज़ हमारा इंतज़ार कर रहा है, सामने नज़र आ रहा है मुझे। ये देखो, ये हमारे भाई हैं हमारे साथ, व्लॉगर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह भैया, एंटरटेनमेंट के लिए आपको ये देखें वुमेंस क्रिकेट टीम का मैच दिखाया जा रहा है। माहौल आप देखें, अच्छा एम्बियंस यार इनका हमेशा से अच्छा नहीं है। ये हमारे साथ मोइज़ भाई हैं। मोइज़ भाई इधर, थोड़ा माइक भी हमारे पास, यार खर्चा किया हमने माइक, आप ये देखें ना कैसा है। ये जवाब है, सही है ना, माइक निकाल ले, एक निकाल ले ना। हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा यार, ऑन कर। थोड़ा बहुत खर्चा हम भी गलती से कर लेते हैं। बटन आगे होगा, बटन प्रेस करके रख पावर वाला। ये जल गई चाइना की लाइट, जल गई। तो भाई इधर दिखाओ, हम आपका इंटरव्यू करेंगे। ये हमारे मोइज़ भाई हैं, ये रहे। ये जब वालेकुम सलाम, जब हमारे 500 सब्सक्राइबर्स थे ना, तब हमारे मोइज़ भाई वीडियो में आए थे, बल्कि 500 से भी कम थे ना, बहुत कम थे। तो हम गए थे कहाँ, बादराबाद। हाँ, तब मोइज़ साहब की दाढ़ी भी बहुत कम थी, हमारे बाद दाढ़ी आई और माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी रखी। तो भाई ये दोनों जो है ना, ये आप कह सकते हो लंगोटिया चड्डी यार होते हैं ना, 4 क्लास से साथ हैं हम। और जवाद का कद बड़ा है, चेहरा वैसा ही है। इसकी अभी भी तस्वीरें, हाँ उसमें सेम ऐसा ही है कि चेहरा वही सेम बड़ा होता जा रहा है और कद बड़ा हो रहा है। बाकी भाई ये मेरे जिगरी यार हैं, इंशाल्लाह वीडियोज़ में ज़रूर आएंगे। ये हमारे मोइज़ भाई और जवाद भाई, कहाँ हैं हम, बस इनकी भी आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी वीडियोस की, जैसे मेरी हो रही है। तो ये हाल है हमारा यहाँ गर्मी में, खैर पंखा तो हमारे ऊपर ही लगा हुआ है, लेकिन पीछे देखो एग्जॉस्ट बंद पड़ा है, और ये हालात है यहाँ। तो एम्बियंस के हिसाब से खैर 2 out of 10 आप दे सकते हो। तो अब देखते हैं ऑर्डर करेंगे, खाना आता है उसका क्या चक्कर है, उसके बाद आपको प्राइस भी बताएंगे, सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। अब इनका जायका वैसा ही है यार। अच्छा इनकी डाइनिंग आज तक अच्छी नहीं हुई। ये 2-3 रेस्टोरेंट हैं यहाँ, इनकी जो लॉन्डो के लिए, लड़कों के लिए बैठने की जगह है ना, वो बेकार है।
इतना अच्छा इनका कोई सिटिंग विटिंग का नहीं है, बस आओ गर्मी में बैठो पसीना पसीना हो गए और अपना खाना पीना खाओ। भाई हम ऑर्डर कर रहे हैं इनका चरगा और चरगे के साथ हम ऑर्डर कर रहे हैं, बल्कि फुल चरगा ही मंगवा लेते हैं ना, अभी बिहारी बोटी मंगा चरगा बीफ प्यारी बोटी के साथ चरगा मंगवा रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है। प्राइसेस नॉर्मल ही हैं जैसे होती हैं हर जगह, शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ मछली मार्केट में हम आए हुए हैं और टेबल साफ़ करने के बाद भी एक फ्रेंच फ्राइज हमें यहाँ मिली है, ये चेक करें आप, ये हालात है यहाँ ना। बड़ा डिसअपॉइंट किया इन्होंने, यकीन मानो जैसा 6 साल पहले था ना वैसा आज भी वैसा ही है। अब जायका देखते हैं क्या होता है। बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया और हम गौसिया छोड़ के आ रहे हैं ब्रोस टाउन, मेरी फेवरेट जगह। हमने कहा शायद ये कोई बेहतरी आए यहाँ, लेकिन भाई गौसिया ने हमें डिसअपॉइंट कर दिया बहुत ज़्यादा। तो हम अब वापस आए हैं ब्रोस टाउन, अपनी फेवरेट जगह। यहाँ मुझे 1.5-2 साल हो चुके हैं आए हुए खाए हुए, तो बड़ी बेकार जो थी ना सर्विस, मतलब कोई आ नहीं रहा हो। इन्होंने भाई चेयर्स वगैरह अपडेट कर दिए हैं एकदम, ब्रोस टाउन ने भाई थोड़ी तरक्की कर ली है। तो भाई वहाँ बड़ा ही बेकार माहौल था और ऑर्डर वगैरह लेने के लिए माशाल्लाह 15 मिनट गुजर चुके थे, हम बैठे रहे लेकिन ऑर्डर लेने कोई नहीं आया। तो ब्रोस टाउन आए हम, यहाँ मेन्यू भी ज़रा अच्छा है, ज़्यादा पेजेस पे आए, यहाँ ऑर्डर देते हैं। ओसिया इसके बाद हम ब्रोस टाउन आए हैं, फ़ौरन 5 मिनट बाद ही हमारे लिए प्रॉपर मेन्यू आ गया और टिश्यूज़ भी आ गए। तो बात ये नहीं है कि आप कैमरे में देख के वीडियो बना रहे हो तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन आप एज अ कस्टमर जा रहे हो तो आपको कोई ना कोई फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए ना, कि आप ऑर्डर कर रहे हो आपको कोई ना कोई फैसिलिटी मिले। मछली घर जैसा वहाँ बना हुआ था, शोर चल रहा है, तो ब्रोस टाउन आए भाई अपना चिकन चरगे का ऑर्डर करेंगे। यहाँ थोड़ा सा सस्ता भी है, उससे इतना फ़र्क नहीं है, 40-50 रुपये का। तो हमने अपना चरगा ऑर्डर किया, हाफ़ फुल चरगा ना, हाफ़ चरगा और साथ बिहारी बोटी। ये हमारा कॉम्बो हमने गौसिया में डिसाइड कर लिया था। तो अभी तक तो यहाँ माहौल अच्छा, इन्होंने बहुत अपडेट किया यार, मैं यहाँ तकरीबन 2 साल बाद आया हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें आप। ब्रोस टाउन ने माशाल्लाह चेयर्स भी बदल लिए हैं, बड़ा एकदम LED भी लगा ली है, माहौल ज़बरदस्त हो गया है यहाँ। अच्छा भाई, दो हाफ चरगे हैं, दोनों लेग सही है। और जो ये चटक बोटी जो है ये बीफ में है, चिकन में। तो फिर एक जो है ना ये बीफ बिहारी बोटी की प्लेट, पराठे ले। अच्छा, हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है जिसको खानों का पता होता है, ऑर्डर करता है। अच्छा, हालांकि मैं वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मोइज़ जो है ना हमेशा हमें जगहों पे लेके जाता है, तकरीबन मुझे सिर्फ खानों का पता है। इसको सिर्फ खाने का पता है, ये सिर्फ खाता है। तो अब भाई बहुत हमें यहाँ आके देखो मूड फ्रेश हो गया ना आपका, माहौल आपको अच्छा मिल रहा है, आप कहीं आए हो आउटिंग के लिए तो आपको माहौल अच्छा मिलना चाहिए और कुछ होना हो वहाँ। आवाम ने इनको फेमस किया है, ठीक है, और ये आवाम को ही अब जो है पागल बना रहे हैं। हाँ, आवाम को ही पागल बना रहे हैं, तो भाई हमको बना रहे हैं। तो गौसिया के लिए मैं हर चीज़ में ही बगैर खाने की, क्योंकि खाना तो खाया नहीं, तो सर्विस एम्बियंस सब के लिए 2 out of क्या, मैं तो 0 out of 10 दे दूँ जो अभी वहाँ हमारे साथ सीन हुआ है। गौसिया से होकर आए ऑर्डर देने लगे वेटर को, तो वेटर ने जो है मुंह मोड़ के चला गया, ऑर्डर ही नहीं लेना था। हम आते हैं फिर हमारी लिटरली 10 मिनट बाद उन्होंने प्लेट उठाई है जो हमारे टेबल पे जो पहले ऑर्डर की रखी हुई थी, वो भी 4 बार बोलने के बाद, मेन्यू 4 बार बोलने के बाद आया। तो हम ज़रा अपनी गपशप करते हैं भाई, ये चेक करें आप, रायता सैलड भी आ गया सर, एकदम बेहतरीन माहौल हो गया है यहाँ। ये सर्विस ये होती है ना, कस्टमर इस तरह खुश होता है, पैसे दे रहे हैं वहाँ भी देने हैं यहाँ भी देने हैं, इक्वल रेट्स हैं इनके, कोई इतना फ़र्क नहीं है। देखते हैं जायके में कितना फ़र्क है, क्योंकि हमने गौसिया का ट्राई किया है, ब्रोस टाउन फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, ये लोग हाँ मैं ब्रोस टाउन ही आता हूँ, मैं गौसिया नहीं जाता, यहाँ पे कितना फ़र्क, ये कितना फ़र्क है। फिर आराम से खाना खाना, तो भाई 10 मिनट बाद हमारा चरगा और ये चटक थी बिहारी थी, ये बिहारी बोटी आ चुकी है, ये हाफ चरगा लेग, क्योंकि हम लेग के शौकीन हैं, टांगों के शौकीन हैं, तो हम पराठे के साथ फिर ये दोनों नहीं ये बीप हो जाएगा, इससे बीप करना है। तो ये मोइस बेसबरा उतावला हो गए, एक बाइट तूने ले ही लिया आखिरकार, अब हजम ही नहीं हो रही, आने लग गया। हाँ भाई, ब्रोस टाउन का चरगा जो है फॉरएवर फेवरेट है मेरा, ये प्राइस और इसके ये जो है ना, क्या ख्याल है, आउट क्लास स्पाइसी बहुत है, एक्स्ट्रा स्पाइसी होता है ये, अगर आप स्पाइसेस के शौकीन हो ना तो आओ। ये हमारी बिहारी बोटी,
जल चुकी है थोड़ी, लेकिन देखते हैं। सर्विस भी 10 out of 10, जायका भी 10 out of 10। तो मैं ये पूरा ख़त्म करता हूँ, ख़त्म होने के बाद भाई आज हम अपनी ज़िंदगी का वर्स्ट खाने का एक्सपीरियंस करते करते रह गए। अल्लाह का शुक्र है कि हम ऑस्ट्रिया छोड़ के आगे ब्रोडटाउन चले गए। इसकी वजह ये है कि मैंने पहले भी बताया, अगर मैं अब तक अपने जितने भी खाने की वीडियोस बनाई हैं, अगर मैं रेटिंग दूँ, मैं ऑस्ट्रिया को हर चीज़ में 0 दूँगा। इसकी वजह ये है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो इनका जो एक सर्विस थी जो कस्टमर्स का, वो था एक प्रेजेंट करना, ना मेन्यू आई 10 मिनट तक, ना कोई सर्विस, ना कुछ, बहुत बेकार था। हमारा ख्याल था कि अगर खाना अच्छा से आ जाता ना, तो हम वैसे नहीं खाते जैसा हमने ब्रोस टाउन पे इन्जॉय किया। तो ये एक बहुत एक अच्छी बात भी हो गई कि हम दोनों को कंपेयर कर पाए कि कैसा जायका था, कैसी चीज़ें थी, दोनों की सर्विस कैसी थी। इनकी बड़ी बेहतरीन सर्विस थी, क्यों जवाब? हाँ, बहुत अच्छी सर्विस थी और हमने बिल्कुल आराम से आराम से चिल होकर खाया है। गर्मी इन दोनों जगहों पर होती है क्योंकि ये जो चरगे का सिस्टम है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट लगा हुआ होता है, धुएँ वाला होता है। अच्छा, मैं जवाब की अगर बात करूँ ना, अगर इसका चैनल होता ना, यकीन मानो ये गालियाँ देता लोगों को, क्योंकि ये पक्के क्रिटिक्स जो होते हैं ना, एक पक्की वो रिव्यू देते हैं, क्रिटिकल वो देता है ये। तो अब हम आइसक्रीम खाने आए हैं, ये चेक करो, कराची खानी है या अलमोटा खानी है? कराची से आइसक्रीम खाएँगे, मेरी फेवरेट। अगर कोन वाली आइसक्रीम की बात करें तो मोइज़ आता है बाइक लेकर, तो यहाँ से आइसक्रीम खाते हैं। ये जो कराची है ना, इनके पास कोन आइसक्रीम जो होती है, जैसे आप केमिकल वाली भी एक तरह से कह सकते हैं, तो वन ऑफ़ द बेस्ट आइसक्रीम्स आप बोलें तो इनके पास है। तो उसके अलावा हमारा बंस रोड पे इलाडोज है, ये सारे सीन आप चेक करो, पूरी फूड स्ट्रीट के बेहतरीन शशके वाला मॉल बना हुआ है यहाँ। और मोइस का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। हाँ, ये ले भाई, ये सारे फ्लेवर्स हैं तेरे। शोर यहाँ एक तो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर इतना शोर, पता नहीं क्यों है, ये समझ से बाहर है। रेगुलर कौन है इनके पास भाई? ये इतने सारे नाम है, लूँगा तो मेरा ख्याल है वीडियो 15 मिनट की बन जाएगी। दो फुल डिप कौन कर देना और एक क्रंच कुल्फी। ये माहौल है यहाँ बड़ा बेहतरीन, ये देखें फुल डिप करके चॉकलेट में। ये मैं खा चुका हूँ बहुत बार, इसलिए यही खाऊँगा, कोई और ट्राई करनी नहीं है, क्या पता कैसी निकल है। जैसे वो अंकल खा रहे हैं दुखी होकर आइसक्रीम जवान के पीछे, ऐसा हाल ना हो जाए। जजाकल्ला यार भाई, ये हमारी आइसक्रीम आ गई है। ये हमारे बच्चे को तो दो क्रंच कुल्फी भाई, कुल्फी का क्रंच एक और आ गई। मुनासिब है। अच्छा, टेस्ट इनका थोड़ा चेंज हुआ है पहले से, तो मैंने लास्ट टाइम खाया था, अब ये पिघल जाएगी। मैं फिनिश करता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं वीडियो एंड करने की तरफ। मोहित भाई पहले आप पैसे दे देंगे ना तो अच्छा हो जाएगा, फिर आप अपना क्रंच कुल्फा एंजॉय भी कर सकेंगे। नहीं, पैसे दे देते आप यार पहले, भाई इंतज़ार कर रहे हैं। देखो नहीं भाई, कसम खाई है मोहित ने कि पहले ये जो है ना अपना क्रंच कुल्फा ट्राई कर रहे हैं, पैसे देने के बाद एंजॉय नहीं कर रहा। अबे शादियों में मिलते हैं लोगों को पैसे, तू पैसों से ले रहा है। हाँ, बस ऐसा ही होता है पैसे देने के बाद, शादी होने के बाद। ये देखें हम ये इंजॉय कर रहे हैं, ये चेक करो आप। अब क्या ही बोलूँ मैं मोइस के बारे में, मज़ा आ रहा है। लेकिन नहीं भाई, मोइस अपना भाई है, मज़ा आ रहा है। तो भाई अब हम अपनी आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद घर चलते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अच्छा, कुल्फा जो है ना भाई, कराची टॉप 10 का, जैसे शादियों में मिलता है ना, कराची टॉप 10 कह रहा हूँ, कराची आइसक्रीम का, उससे भी बेकार था। तो कुल्फा नहीं खाना आपने जब भी आना है। तो आइसक्रीम फिर भी इनकी एवरेज अच्छी है अगर रेट के हिसाब से देखी जाए। वालेकुम सलाम। तो अल्लाह आप पे रहमत करता है मेरे भाई, आपने हमें सलामी दी हमें। टीनी पापा, हाँ, हर जगह मिलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखना है। अगर वीडियो पसंद आई हो कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।